चाहिए। और ये बेटी जिसका नाम पूनम है और वो वहाँ से दिल्ली से चल दी बरेली के लिए। अगर ऐसे लोग ऐसी क्रांतिकारी बेटियां हमारे देश में होंगी तो वो दिन दूर नहीं कि हम ये अत्याचार की जंग अवश्य जीतेंगे। आज हमारे देश के अन्नदाता और देश की सीमा पर रक्षा करने वाले सैनिकों के साथ जो हो रहा है, उस लड़ाई की गूंज पूरे देश में जा रही है, पूरा देश उसको देख रहा है। सरकार को भी संज्ञान लेना होगा और प्रशासन को भी संज्ञान लेना होगा। और अब मैं चाहूंगी कि हमारी बेटी पूनम पंडित यहाँ आकर कुछ कहे। सबसे पहले जितने भी मेरे बुजुर्ग और इतने सारे लोगों के बीच में नारी शक्तियां सभी को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम, मेरी तरफ से सभी को राम राम। जब पता चला कि आवाज हक की और अधिकार की है, क्या करूं रहा नहीं गया मेरे से बिल्कुल भी। सुनीता जी बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि आपने एक बेटी को इतना सम्मानित किया। और बड़े दुख की बात है कि जो सैनिक है जिन्होंने हमारे देश के लिए हमारे देश की रक्षा करने के लिए अपना इतना सहयोग और समर्थन दिया है, आज उनको इन सब चीजों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए ये हालत, तो आप लोग यही चाहते हैं, आप लोग ये मेरे भाई हैं, आप ही ना रेशम सिंह भाई, आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं पुलिस प्रशासन से, सरकार से क्या अनुरोध करते हैं, क्या आपकी मांगे हैं? मैं यही चाहता हूं कि जो कुर्सी का दुरुपयोग करके मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर जो मारपीट और परिवार के सामने मेरी मारपीट की गई है और मुझे थाने में डालकर और जो मेरे साथ बहुत ही बर्बरता वाला व्यवहार किया गया, मुझे बताने में शर्म आ रही है, आप समझ सकते हैं। वो सारी क्रिया करने के बाद भी मेरे ऊपर 8 धाराओं में जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसको कैंसिल किया जाए और पुलिस के ऊपर जो एक आर्मी हॉस्पिटल की जो मेडिकल रिपोर्ट है उसको शामिल करके उनके ऊपर जो उचित से उचित धारा बनती है उसके संबंध में उनको संज्ञान में लाकर उनके ऊपर केस दर्ज करके जेल में डाला जाए। चलिए भाई आपकी बात बिल्कुल सही है, लड़ाई एकदम हक की है और अधिकार की है। अगर यहाँ का प्रशासन नहीं मानता है उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए और आपके साथ जो किया उस चीज के लिए, क्योंकि कुर्सी का जो फायदा सभी लोग उठा रहे हैं, उसमें चंद लोग ऐसे हैं जो सहयोग कर रहे हैं, चंद ऐसे हैं जो फायदा उठा रहे हैं, तो कुर्सी का तो फायदा नहीं उठाने देंगे, क्योंकि कुर्सी जो है वो किसी की बपौती नहीं है। अगर उस चीज में मेरा कोई भी योगदान आपको चाहिए या किसी और के लिए धरना या कोई और धरना किसी का घेराव वगैरह करना हो तो आप अपनी छोटी बहन को याद करना, मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी। और अनुरोध करती हूँ पुलिस प्रशासन से और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी से, देखिए आप बंगाल को तो सुनार बंगला बना रहे जा रहे थे सभी लोग, एक सैनिक जिसने हमारे देश की सीमा की रक्षा की, इतना सहयोग अपना दिया, आज कितनी क्रूरता देश में हो गई कि अपने अधिकार के लिए आपको इस तरीके से बैठना पड़ रहा, इस तरीके से अपनी अधिकार की लड़ाई लड़नी पड़ रही, मांगना पड़ रहा, जो कि हम मांगने हमारे अधिकार हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, अगर इस चीज में प्रशासन संज्ञान लेगा तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, उनसे अनुरोध करती हूँ मुख्यमंत्री जी से भी कि भाई की जो समस्या है, जिन्होंने कुर्सी का दुरुपयोग किया है और पुलिस में होने का गलत फायदा उठाया, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जावे। अगर इस चीज को और आपको किसी को एसएसपी साहब का घेरा आ गया, कोई भी ऐसा कोई योगदान आपको मेरा चाहिए तो बिल्कुल मुझे याद करना, मैं आपके साथ रहूंगी, आपके बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर बात बोलने वाली नहीं करते। मैं आपको आज पहली बार मिल रही हूँ पर मेरा सहयोग हमेशा आपके लिए रहेगा, आप जैसों के लिए, क्योंकि देश में लड़ाई ही तो रह गई किसानों की, जवानों की, मजदूरों की और सम्मान की, ये लड़ाई रह गई जो हमें लड़नी है, क्योंकि लोकतंत्र का अधिकार जो हमारा है उसे हमसे छीना जा रहा है, जो छीनने नहीं देंगे। बहुत सारी बात ऐसी है
जो एक इतना बड़ा मंच है इस पे एकदम से बताने के लिए मेरे बहुत सारे बुजुर्ग भी हैं और जो चीज आपके साथ हुई है वो चीज आप ही बता सकते हैं, उस पीड़ा को आप ही महसूस कर सकते हैं। अगर अभी भी मैं बोल रही हूँ, मैं बरेली में हूँ, अगर आपको किसी भी अधिकारी के पास जाना है, मेरा पूरा समर्थन आपके साथ है। मैं चलने के लिए किसी भी थाने में या किसी भी तरीके से आपके लिए साथ हूँ हमेशा। मैं यही कहना चाहूंगी कि एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, क्योंकि जगह 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 आंदोलन चल रहे हैं। बड़े दुख की बात है, इतिहास में नाम दर्ज होगा कि देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस सरकार के थे, तो कितने आंदोलन हुए, कितनी क्रूरता हुई, कितनी कट्टरता हुई। क्योंकि बॉर्डर पर जाने में भी आप लोगों को बहुत तकलीफ करी गई, सभी को, और अब आप अपने लिए आवाज उठा रहे हैं। ये तस्वीर देख के मैं हैरान हूँ बहुत ज्यादा, दिखाने में देखने में भी शर्म आती है, इसको देखकर भी मैं हैरान हूँ। और सभी से अनुरोध करती हूँ कि भाई के साथ रहने, सहयोग करें। पुलिस प्रशासन से भी अनुरोध करते हैं भाई, गने लाड प्यार से बात को माने और भाई के जो मुकदमे हैं आप उन्हें हटावें, और नहीं तो फिर हम तो खड़े हैं डटे हुए सहयोग के लिए, सभी के सम्मान के लिए। लड़ाई हक की है, अधिकार की है, चाहे कुछ भी हो जावे, जान देनी भी पड़े तो साथ रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे, आपका सहयोग करेंगे। ए दिल से धन्यवाद समस्त कमेटी, सुनीता गंगवार जी का, सरदार रेशम सिंह जी और जितने मेरे बुजुर्ग हैं। जय किसान, जय किसान, जय किसान। लड़ाई ही अब ये रह गई, सम्मान की, जवान की और किसान की, बस ये लड़ाई। जय जय जय, इकट्ठे रहेंगे, आपका सहयोग करेंगे। ए दिल से धन्यवाद समस्त कमेटी, सुनीता गंगवार जी का, सरदार रेशम सिंह जी और जितने मेरे बुजुर्ग हैं। जय किसान, जय किसान, जय किसान। लड़ाई ही अब ये रह गई, सम्मान की, जवान की और किसान की, बस ये लड़ाई। जय जय जय।